की बड़ी खबर फरुखाबाद से आ रही, जहां प्रशासन व पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चर्चित रेस्टोरेंट में पकड़ा गया सेक्स रैकेट। 9 लड़कियां व 10 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया। देह व्यापार की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र व सीओ सिटी प्रदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अचानक रेस्टोरेंट पर मारा छापा। रेस्टोरेंट में अचानक महिला पुलिस के साथ रेड पड़ने से संचालकों में मचा हड़कंप, मची भगदड़। पुलिस ने आपत्तिजनक स्थिति में लड़कों और लड़कियों को पकड़ा। 10 लड़कों व 9 लड़कियों को हिरासत में लेकर पुलिस वाहन से सभी को पुलिस लाइन में स्थित महिला थाने भेजा। देह व्यापार की शिकायत करने पर पुलिस बल के साथ रेस्टोरेंट में मारा है छापा। सिटी मजिस्ट्रेट के अनुसार रेस्टोरेंट से करीब 20 लड़के और लड़कियों को पकड़ा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने लड़के और लड़कियों को बाहर का रहने वाला बताया। वहीं सेक्स रैकेट में कॉलेज छात्र छात्राओं के भी शामिल होने की है आशंका। हिरासत में ली गई लड़कियों में से एक लड़की स्कूल ड्रेस में नजर आ रही है। पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक को हिरासत में लेकर फतेहगढ़ कोतवाली पूछताछ के लिए भेजा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेस्टोरेंट संचालक बीएसई कार्यालय में ऑपरेटर है। डीएम व एसपी आवास और पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय के बीच रेस्टोरेंट में चल रहा था देह व्यापार का अवैध धंधा। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिविल लाइन में स्थित शिकागो रेस्टोरेंट का है पूरा मामला। सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चंद का कहना है, हमें गोपनीय जानकारी मिली थी, जिस गोपनीय जानकारी के अनुसार हमने इस पर छापा मारा। पूरे रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह से बना के रखा था कि वहां पर फैमिली का एक बजट सिस्टम था, लेकिन जब अंदर जाके देखा गया तो वहां पर पूरा देह व्यापार का जो कार्य होता है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें वहां पर मौजूद थी। इस कार्रवाई के अनुसार पुलिस प्रशासन की तो बढ़ी है, लेकिन ऐसे और भी जगह हैं जहां पर देह व्यापार का कार होगा। आखिरकार कब तक ये देह व्यापार का काम फलता और फूलता रहेगा? इसको कराने वाले लोगों पर क्यों पुलिस कड़ी कार्रवाई नहीं करती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। उधर मत था, लाइन में नहीं गाड़ी घुमा ले अपने यहाँ तू क्या। आराम से
बड़ी वाली गाड़ी बैठवाओ।